खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड देखकर मुंह में पानी आ गया ना आपके। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सेवई। मीठी सेवई है, इसे कि मामी सेवई भी बोलते हैं। तो चलिए प्रोसेस में चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड कि मामी सेवई बनाने के लिए सबसे जो मुख्य कार्य होता है वो सेवई को भूनना होता है। तो सेवई को अच्छे से भूना होना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल ये मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। तो सूखा ही भूनना है, इसमें घी डाल के नहीं भूनना है। बहुत से लोग घी डाल के भूनते हैं तो सेवई अच्छे से भून नहीं पाती है, और ऐसे सूखा रहता है तो आराम से भून जाती है। तो घी तो हम लोग यूज करेंगे लेकिन बाद में यूज करेंगे घी को। तो चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा और डार्क हो जाता है तो बहुत अच्छा कलर आएगा सेवई का। तो चलिए हम लोग भून लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सेवई अच्छे से भून गया है, कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम लोग अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, और इसी बर्तन में हम लोग कढ़ाई में चाशनी रेडी करेंगे। तो चलिए चाशनी रेडी करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग चाशनी को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग घी डालेंगे, इसमें 2 चम्मच के करीब में घी डालेंगे। देसी घी है फ्रेंड, घी में ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो चलिए हम लोग इसको मेल्ट होने देते हैं, और तड़के में देखिए क्या क्या डाले हैं। इसमें हमने 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची कूट कर ले लिया है, और लौंग लिया है, और ये दालचीनी है। तो ये हम तड़का में डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सेवई में। तो फ्रेंड यहाँ पर तड़का जल गया है, और चलिए हम पानी ऐड करते हैं। तो फ्रेंड हमने पानी करीब डेढ़ गिलास के करीब में पानी ऐड किया, और ये 1 कटोरी हम शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि चाशनी इसका तैयार करना है। तो चाशनी हमें चिपचिपा से तैयार करना है, तो इतना शक्कर थोड़ा सा और हम बाद में यूज कर रहे हैं। तो अब चलिए इसे हम लोग कुक कर लेते हैं अच्छे से चला चला के, और इसमें हम लोग कलर का भी यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग कलर बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हम फूड कलर लिए हैं, ये कलर भी इसमें ऐड कर देंगे। इसी में शक्कर चाशनी में ही ऐड करना होता है कलर। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, और इसे हम लोग चिपचिपा होने तक इसे कुक करेंगे चला चला के। आप चाहे तो इसका ये ऊपर से जो मसाले हमने तड़का लगाया है इसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में इसका और फ्लेवर अच्छे से आ जाए तो हम थोड़ी देर में इसे निकाल देंगे, और इसमें हम लोग थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, ये मसाला निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो चलिए थोड़ा सा कुक हो जाए तभी मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं रेडी कितना हुआ। तो चिपचिपा सा हो गया है। अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट ऐड कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट में आप जो भी आपकी पसंद का ड्राई फ्रूट हो आप इसमें यूज कर सकते हैं, और इसे हम लोग मिक्स कर देंगे, और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, और फिर इसमें हम लोग सेवई को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए कुक हो चुका है अच्छे से, अब इसमें हम लोग सेवई को ऐड करेंगे। तो बिल्कुल आप डरिए मैं नहीं बनाने से, बहुत आसान है, इजी तरीका है बनाने का। तो आप इसे मिक्स कर दीजिए, और सिर्फ 1 मिनट और हम लोग कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, और गैस का फ्लेम भी ऑफ कर देंगे। तो देखिए बनके रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे एकदम सूखा भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपको गीला गीला चाहिए तो थोड़ा सा चाशनी को जब थोड़ा सा गीला गीला लगे तभी आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो सेवई हमारा कुक हो चुका है, अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसे हम लोग 15 से 20 मिनट बाद सर्व करेंगे, ताकि इसकी जो फ्लेवर है सेवई में पूरी तरह से खुल जाए, और सेवई का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ठंडा होने के बाद, और बहुत ही यमी बन गई है, टेस्टी बनी है।
तो फ्रेंड बिल्कुल बहुत आसान है बनाना। तो इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर खोया भी ऐड करेंगे। तो खोया को हम लोग मैश करके ऐसे ऐड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है डालने की आपको खोया को, बस इतना ही ऐड करिए और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से इसका फ्लेवर, ताकि इसमें सिवई में आ जाए। तो फ्रेंड बताइए कैसा लगा हमारी की मामी सिवई बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड सिवई कैसा लगा, और ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा।